देश में पिछले कुछ समय से महंगाई लगातार बढ़ रही है। इस महंगाई का बोझ आम आदमी की जेब पर भी पड़ रहा है। फरवरी महीने का अंत हो चुका है और अब मार्च महीने की शुरुआत हो गई है। देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं। 1 मार्च 2024 को भी कई बदलाव हो चुके हैं, जिसे आपको भी जानना चाहिए। फरवरी माह खत्म हो चुका है और अब मार्च महीने की शुरुआत हो चुकी है। हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कई बदलाव लेकर आती है और यही कुछ इस महीने के साथ भी हो रहा है। मार्च महीने की चूंकि शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में हर महीने की पहली तारीख को LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव होता है। हालांकि पिछले महीने LPG सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, पिछले दिनों काफी चीजों के दाम बढ़ गए थे। ऐसे में इस बात की संभावना है कि मार्च में LPG सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसा होने पर आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि फरवरी की शुरुआत में LPG के दाम को वैसा ही रखा गया था, यानी कि उसमें बदलाव नहीं किया गया था। वहीं केंद्र सरकार ने अब 1 मार्च 2024 से GST के नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। इस बदलाव के तहत अब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वाले व्यापारी बिना ई चालान के ई वे बिल पेश नहीं कर पाएंगे। ये नियम 1 मार्च से लागू कर दिया गया है। 1 मार्च से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यवसाय सभी B2B लेनदेन के लिए ई चालान विवरण शामिल किए बिना ई वे बिल जारी नहीं कर सकेंगे। वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपए से ज्यादा के मूल्य का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए ई वे बिल की आवश्यकता होती है। बता दें कि मार्च 2024 में देश भर के अलग अलग राज्यों में बैंक कुल 14 दिन बंद रहने वाले हैं। इसमें साप्ताहिक शनिवार और रविवार की छुट्टियों के अलावा महाशिवरात्रि, होली और गुड फ्राइडे के कारण कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम है तो छुट्टियों की लिस्ट को चेक करके ही बाहर निकलें। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने फास्टैग की KYC अपडेट करने की आखिर तारीख 29 फरवरी तय की थी। इस तारीख तक फास्टैग की KYC प्रक्रिया अगर पूरी नहीं हुई है तो ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की ओर से इसे डीएक्टिवेट और ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है और किया जा सकता है। ऐसे में हो सकता है कि अगर आपने फास्टैग की KYC 29 फरवरी तक अपडेट नहीं कराई है तो 1 मार्च से आपको परेशानी हो सकती है। बता दें कि कंपनी की वेबसाइट के अनुसार SBI क्रेडिट कार्ड 15 मार्च से न्यूनतम दिन के बिल गणना के लिए अपना नियम बदल रहा है। इसके बारे में जानकारी पहले ही उपयोगकर्ताओं को बता दी गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार सोशल मीडिया से जुड़े हुए नियम को 1 मार्च से लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में IT नियमों में कुछ बदलाव किया था। इन नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर गलत फैक्ट डालने पर भी भारी भरकम जुर्माना भरना होगा। तो ये तो रही मार्च महीने की बदलाव की बात। इसी तरह की और भी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए KBC न्यूज़।